इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में कल ग्लेशियर फटने से मची तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राहत कर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त तपोवन डैम के पास सुरंग को खोलने की है। टनल का रास्ता अंदर से बंद है, उसमें मलबा भरा हुआ है। आर्मी, आईटीबीपी और एसडीआरएफ का दस्ता जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अब तक 25 लोग रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जिसमें 12 तपोवन से और 13 रैनी से रेस्क्यू हुए हैं। एक टनल से आईटीबीपी ने 16 लोगों को निकाला है, जबकि दूसरे टनल से 30 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र ने करीब 170 लोगों के लापता होने की बात कही है। मंजीत नेगी ग्राउंड जीरो से सीधे तपोवन से हमारे साथ जुड़ा है। सब हम चलते हैं सीधे मंजीत के पास। मंजीत, इस वक्त की तस्वीरें जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, आपके पीछे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देखिए श्वेता, इस वक्त यहाँ पर जो दूसरी टनल है तपोवन एनटीपीसी के प्रोजेक्ट की, जो दूसरी टनल, उसमें जो करीब आशंका है 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हो सकते हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। और अब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। यहाँ पर युद्ध स्तर पर आईटीबीपी, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम एजेंसियां भरसक युद्ध स्तर पर कोशिश कर सकती हैं। आप देखिए किस तरह से टनल, जो करीब 1 किलोमीटर लंबी टनल है, वहां पर अंदर तमाम मशीनरी के जरिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि काफी कई फीट तक मलबा है। उस मलबे के ऊपर फट्टे बिछाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। एक मानव श्रृंखला बनाई जा रही है टनल के अंदर, क्योंकि काफी कई फीट तक यहाँ पर मलबा आ चुका है और उसके अंदर मलबे के ऊपर फट्टे रखकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही जो मेडिकल की टीम है, वो स्ट्रेचर और तमाम दूसरे उपकरण लेकर, ऑक्सीजन लेकर भी अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब जो करीब 50 से ज्यादा कर्मचारी अंदर हैं, उनको काफी वक्त हो गया है। कल दूसरी एक टनल को खोलने में सफलता मिली थी यहाँ पर आईटीबीपी को, एसडीआरएफ, इंडिया, तमाम एजेंसियों को, जिसमें 16 कर्मचारियों को बचाया गया था। लेकिन यहाँ पर ज्यादा बड़ी त्रासदी है, करीब 50 से ज्यादा कर्मचारी बताए जा रहे हैं, और इस वक्त युद्ध स्तर पर कह सकते हैं कोशिश हो रही है तमाम एजेंसियों, सेना की तरफ से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सरकार की तरफ से, उत्तराखंड पुलिस, तमाम एजेंसियां कोशिश कर रही है कि जो 50 से ज्यादा कर्मचारी है उनको यहाँ पर सुरक्षित बचाया जा सके। और जिस तरह से कल एक ग्लेशियर फटने की वजह से पूरी यहाँ पर अलकनंदा जो घाटी है, और यहाँ पर 2 पावर प्रोजेक्ट थे उस तपोवन के इलाके में, दोनों पूरी तरह से एक तरह से तबाह हुए हैं। लेकिन अभी बड़ी चुनौती इन 50 कर्मचारियों को बचाने की है। बिल्कुल, तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं आपको उस टनल की, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिन्हें बचाना वहां पर है। मंजीत लगातार बने हुए हैं। मंजीत, हम देख रहे हैं बड़ा मुश्किल वहां पर हो रहा है, क्योंकि मलबा पूरी तरह से भरा हुआ है, और बताया ये जा रहा है कि जो टनल है वो दूसरी ओर से ब्लॉक्ड है, पूरी तरह से बंद है। बिल्कुल, यही मुश्किलें हैं श्वेता, क्योंकि ये यहाँ से जिधर से इस तरफ जब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से टनल को खोला गया है, यहाँ से मलबा है और ये करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी टनल है, आगे पूरी तरह से ब्लॉक है। और जो कर्मचारी हैं, जो बताए जा रहे हैं 50 से ज्यादा, वो टनल के दूसरे छोर पर हैं, तो अभी काफी मशक्कत करनी होगी। युद्ध स्तर पर कोशिशें हो रही हैं टनल के दूसरे छोर पर पहुंचने की, जहां पर वो 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं। और क्योंकि अब वक्त लगातार निकलता जा रहा है, कल सुबह 10:30 के आसपास जब यहाँ पर ग्लेशियर फटने से ये तबाही आई थी, ये बाढ़ आई थी, उसके बाद से यहाँ पर एक कर्मचारी फंसे हुए हैं, तो अंदाजा लगा सकता है कि काफी वक्त हो गया है, पूरा एक दिन यहाँ पर निकल गया है। ऐसे में अब चुनौती ये है कि इनको सुरक्षित निकाला जाए। कल देर शाम यहाँ पर जो आईटीबीपी और तमाम दूसरी एजेंसियां, एसडीआरएफ के लोगों ने, उन्होंने एक दूसरी टनल को खोलने में सफलता पाई थी, जिसमें 16 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया था। लेकिन अब बड़ी चुनौती इस टनल को खोलने की है, और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से तमाम एजेंसियां, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना के जवान पूरी मशक्कत कर रहे हैं जी। 4 से 5 फीट मलबे के ऊपर यहाँ पर, और जो तस्वीरें आप मंजीत दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं जो ये आईटीबीपी के जवान या फिर एनडीआरएफ के हैं, ये पैर रखना मुश्किल हो रहा है, मूव करना वहां पर मुश्किल हो रहा है, मलबा इतना ज्यादा है कि मूव करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं,
बिल्कुल चुनौती बहुत ज्यादा है और अभी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो एनडीआरएफ के डॉग स्क्वाड हैं वो भी अंदर जा रहे हैं क्योंकि जो डॉग स्क्वाड है वो यहाँ पर अगर लोग जीवित हैं उनको उन तक पहुंचने की वो कोशिश करेंगे और उसके अलावा मेडिकल के जो उपकरण हैं उसके चाहे स्ट्रेचर हो ऑक्सीजन सिलेंडर हो तमाम चीजों को लेकर अंदर जाने की कोशिश हो रही है लेकिन काफी मशक्कत श्वेता यहाँ पर करनी पड़ रही है क्योंकि आगे जिस तरह से मलबा भरा हुआ है एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल है कई फीट तक मलबा है और उसमें कोशिश की जा रही है कि मैनुअल चाहे यहाँ पर जो बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे हैं उनको बिछाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो डोजर है उसके जरिए कुछ मलबा निकाला गया यहाँ पर जो ये जो टनल की शुरुआत होती है यहाँ से मलबे को हटाया गया कई फीट मलबा था उसको साफ किया गया और आगे रास्ता बनाया जा रहा है इसी तरह से जो यहाँ पर डोजर और दूसरी मशीनें हैं उनकी भी मदद ली जा रही है लेकिन अंदर तक पहुंचने के लिए इन जवानों को तमाम जवानों को ही मशक्कत करनी होगी उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचा जाए क्योंकि काफी लंबी ये टनल है 1 किलोमीटर से लंबी बताई जा रही है और मुश्किल ये है कि दूसरी तरफ टनल पूरी तरह से बंद है कल करीब कह सकते हैं कि 12 घंटे की मशक्कत के बाद यहां तक खोलने में सफलता मिली है अभी मुश्किल से कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर के आसपास ये टनल से भी कम खुली है और आगे अब बढ़ने की कोशिश हो जिस तरह की तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी संख्या में भारी संख्या में यहां पर तमाम एजेंसियां और मैं दिखाना चाहूंगा कितनी ये हमारे पीछे लगातार जो जवान हैं सेना के वो आगे टनल की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी संख्या है कह सकते हैं कि 500 से ज्यादा इस वक्त यहाँ पर तमाम एजेंसियों के लोग लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं और चाहे जो मलबा निकालने के उपकरण हो उसके अलावा मेडिकल के हो सभी चीजों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है कोशिश यही है कि इस कार्रवाई के जरिए जो 50 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिनको बचाने के इस वक्त भरसक प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं।